दोस्तों, बजट 2020 ने इनकम टैक्स में काफी सारे अमेंडमेंट्स प्रस्तावित किए हैं और इन्हीं अमेंडमेंट में से कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट्स चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंटिटीज से भी रिलेटेड हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंटिटीज से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट प्रपोज्ड हुए हैं, उनका आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट आ सकता है, इस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के थ्रू दोस्तों, हम कुछ की पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। मैंने आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं। विच इंस्टीट्यूशंस आर इफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड प्रोविजन? प्रिसाइज टर्म में हमें समझना है कि कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके ऊपर इन अमेंडमेंट्स का प्रभाव आने वाला है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन? सरकार ने कुछ रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में भी पुनः व्याख्या करी है, उस पर हमें चर्चा करनी है। व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग डोनेशंस? डोनेशंस के संदर्भ में भी क्या कुछ चेंजेस आए हैं, वो भी हमें देखने हैं। व्हाट आर अदर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स इम्पोज ऑन द इंस्टीट्यूशंस? कुछ और भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट अब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लेकर के आए हैं, तो उन पर भी हमारे को सर इस वीडियो के थ्रू एक डिस्कशन, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न सर, विच इंस्टीट्यूशंस आर इफेक्टेड बाय द प्रपोज्ड अमेंडमेंट? इन जो प्रस्तावित संशोधन है सर, मेरे बात को आप समझिएगा, अभी यह बजट है केवल, यानी इसे हम फिनेंस बिल बोलेंगे टेक्निकली। अभी यह बजट पारित होना है। हो सकता है मेरी बात पारित होने तक किसी हद तक चेंज हो जाए पार्लियामेंट के डिस्कशन से, लेकिन अगर मैं ये मान लूं कि आज जो बजट में अमेंडमेंट प्रस्तावित हैं उनका किन इंस्टीट्यूशन के ऊपर प्रभाव आएगा सर, ऐसी संस्थाएं जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 12A में, 12AA में, 10 क्लॉज 23C में या 80G में रजिस्टर्ड हैं, इवन मैं सेक्शन 35 की संस्थाओं को भी यहां पर ले सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे ज्यादा काम में 12A, 12AA की संस्थाएं जो स्वयं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में रजिस्टर्ड हैं, कुछ एजुकेशनल, मेडिकल या इसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो 10 क्लॉज 23C के कुछ सब क्लॉजेज हैं वहां रजिस्टर्ड है, या ऐसी संस्थाएं जो 12A, 12AA होने के साथ 80G में भी रजिस्टर्ड हैं, उन संस्थाओं के ऊपर सर इन अमेंडमेंट्स का इफेक्ट आने वाला है। एक और बात सर जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, रजिस्ट्रेशन जो नए प्रस्तावित है उनके लिए भी प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है, हालांकि वो पॉजिटिव परिवर्तन है जिसे मैं अब आपके सामने लेकर के आता हूं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सर हमारे लिए, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन। मैं बड़े धैर्य के साथ सर इस बात को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने लाने की कोशिश करता हूं। आप कोशिश करिएगा कि आपको ये बात एलिबरेटली समझ में आए, और यदि फिर भी नहीं आए तो आप मुझे प्रश्न लिखें, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। नंबर वन, दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। नाउ विच आर रजिस्टर्ड? जो 10 क्लॉज 23C में रजिस्टर्ड है एजुकेशनल या मेडिकल, जो 12A, 12AA में चैरिटेबल या रिलीजियस रजिस्टर्ड है, या 12A के साथ साथ जो 80G में भी रजिस्टर्ड है। मैं इन संस्थाओं की बात कर रहा हूं। यदि आपके ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन है, अब सरकार कह रही है सर 1 जून 2020 जब से ये प्रावधान लागू होगा उससे 3 महीने के अंदर अंदर, यानी अप टू 31 अगस्त 2020, आपको वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। अब सर ये वापस से रजिस्ट्रेशन में आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये आएगा कि साहब, मैं वापस से रजिस्ट्रेशन लगा रहा हूं, कहीं डिपार्टमेंट मेरे प्रस्ताव को अटका तो नहीं देगा, फिर से चेकिंग करे, वेरिफिकेशन करे? तो जिस प्रकार से सर प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें तो ये लिखा है कि आप यदि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं 12A में, 12AA में, 80G में, 10 क्लॉज 23C में, आप अप्लाई करिए, आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन एक बारगी मिल जाएगा। तो सर इसका मतलब, और वहां पर कहीं नहीं लिखी ये बात कि आपको पहले वो रिकॉर्ड मंगवाएंगे, चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपको रजिस्ट्रेशन देना है या नहीं देना। तो सर आप यदि चैरिटेबल संस्था हैं ऑलरेडी, या एक रिलीजियस संस्था है, या 80G की संस्था है, 1023C की संस्था है, आपके पास ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, आपको केवल 1 जून 2020 से लेकर के 31 अगस्त 2020 की अवधि के अंदर पुनः रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और ये मान के चलिए कि आपको 5 साल के लिए सरकार रजिस्ट्रेशन दे देगी। एक और बात, व्हेन यू इंटेंड टू रजिस्टर एज अ न्यू एंटिटी,
यदि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है परंतु आप चैरिटेबल या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के रूप में या एटीजी के इंस्टीट्यूशन के रूप में खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो सरकार ये कह रही है कि आप आवेदन करिए, हम आपको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। ये भी अच्छी बात है सर। अब तक जब हम किसी संस्था के लिए 12AA टीजी लगाते हैं, यानी उसको चैरिटेबल या रिलीजियस होने का दर्जा देने के लिए या उसके द्वारा डोनेशन कलेक्ट करने के लिए एटीजी का एक प्रमाण पत्र लेने के लिए हम डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, तो डिपार्टमेंट पहले एग्जामिन करता है, उसके बाद में सर हमारे को सर्टिफिकेट देता है। अब सरकार ये कह रही है नहीं, आपको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। यानी अगर आपकी चैरिटी करने की इच्छा है या आपकी रिलीजियस वर्क करने की इच्छा है या आपका कोई डोनेशन से संबंधी एटीजी का अप्रूवल लेना है, तो सरकार ये कह रही है इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के थ्रू कि सर हम एक बार की आपको 3 साल के लिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि अब तक बिना एग्जामिनेशन हुए और बहुत सारी बात सर एग्जामिनेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन अटक भी जाता था, नहीं मिलता था, कंप्लायंसेस पूरी नहीं थी, तो बहुत सारा डिपार्टमेंट का वर्कलोड ऑफ हो जाएगा। एसएससी को फास्ट बेसिस के ऊपर, स्ट्रीमलाइन बेसिस के ऊपर तत्काल रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। सो ये एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट उस दृष्टि से सिद्ध होगा जहां पर आप नई संस्था बना रहे हैं। और मैं एग्जिस्टिंग संस्था के लिए भी बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसको भी 5 साल के लिए तो रजिस्ट्रेशन मिला है, और यदि वो 5 साल, अब आपका अगला प्रश्न है सर 5 साल हो गए तो फिर क्या, फिर अगले 5 साल के लिए आपको, यानी सरकार हर 5 साल में, एक दशक में 2 बार आपका रजिस्ट्रेशन करती रहेगी जब तक आप सही चलते रहते हैं। ये सही चलते रहते हैं बात मैं क्यों कर रहा हूं सर, जरा आप मेरे साथ ध्यान से समझिए, क्योंकि पिछले कुछ समय में सरकार ने शायद ये पाया है कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी भी हैं जो चैरिटेबल के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जो एटीजी में भी हैं, और या तो वो काम नहीं कर रही या काम कर रही हैं, उसके साथ साथ नॉन कंप्लायंसेस बहुत करते हैं या किसी प्रकार की मॉल प्रैक्टिसेस के अंदर भी वो इन्वॉल्व हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कैप्चर करने के लिए भी इस तरीके के अमेंडमेंट सरकार लेकर के आना चाहती है। अब ये प्रश्न देखिए सर, व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग डोनेशन रिसीव। मैं यहां पर स्पेसिफिकली सेक्शन 80G की संस्थाओं की बात कर रहा हूं। 80G में सर रिलीजियस संस्थाएं नहीं आती, उसमें चैरिटेबल संस्थाएं ही आती है। यदि आप एक चैरिटेबल संस्था हैं और 80G में रजिस्टर्ड हैं और आप किसी व्यक्ति से डोनेशन ले रहे हैं सर, तो सरकार ये कह रही है कि नंबर वन, आपको भी इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको भी 5 साल के लिए एक बार की रजिस्ट्रेशन दे देंगे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, पहली बार रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको पहली बार की 3 साल के लिए हम प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देंगे, और 5 साल यदि आपके एक्सपायर हो रहे हैं, 3 साल जब भी एक्सपायर होंगे उस एक्सपायरी से 6 महीने पहले पहले आप हमारे पास में आ जाइए। तो बात यह है सर, इवन इफ यू आर एटीजी इंस्टीट्यूशन, यू हैव टू अप्रोच टू द गवर्नमेंट फॉर दिस रजिस्ट्रेशन टू बी रिन्यूड, और रादर मैं रिन्यूअल नहीं शब्द यूज कर सकता यहां पर, आपको वापस से रजिस्ट्रेशन लगाना है, फिर सरकार आपको 80G का रजिस्ट्रेशन देगी। और यदि आप रिलीजियस संस्था है सर, तो आप 80G की डोनेशन दे ही नहीं सकते रिसीट। तो ऐसी परिस्थिति में सर मैं नहीं मानता कि आपको 80G की कंप्लायंस करनी है, परंतु हाँ आपको 12AA के अनुरूप, जिसके संदर्भ में स्पेसिफिकली एक सेक्शन 12AB अब इनकम टैक्स एक्ट में लाया जाना प्रस्तावित है, उसकी वजह से सर आपको चाहे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, 5 साल के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है सर मेरा, व्हाट आर अदर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स इंपोज्ड ऑन सच इंस्टीट्यूशन। कुछ और भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आई है क्या? तो सर ये जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट आई है वो 12AA और संस्थाओं के लिए नहीं है, वो जो मैं बात करना चाहता हूं उस पर्टिकुलरली सेक्शन 35 की संस्थाएं जो साइंटिफिक रिसर्च के कंट्रीब्यूशन लेती हैं, या सेक्शन 80G में जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन डोनेशंस लेते हैं और डोनेशन देने वाले यानी डोनर को एक रिसीट देते हैं, उनके लिए कंप्लायंस आई है। क्या कंप्लायंस आई है सर? 2 कंप्लायंस आई है। एक, जिस व्यक्ति से वो डोनेशन लेंगे उसको एक सर्टिफिकेट देंगे, जैसे जब टीडीएस पेयर काटता है तो पेई को एक टीडीएस सर्टिफिकेट देने के लिए लाइबल है, तो अब सर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन रिसीट देना पड़ेगा ताकि उस व्यक्ति के हाथ में वो पर्टिकुलर क्लेम मजबूत हो। हालांकि अब तक रसीद दी जाती थी, अब टर्मिनोलॉजी रिसीट की जगह सर्टिफिकेट की आ रही है। आपको इससे भी महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है, यू हैव टू फाइल इंफॉर्मेशन ऑफ डोनर विद द गवर्नमेंट। अब आपको सरकार के पास
जो जो डोनेशन आई है उसकी डिटेल भी देनी पड़ेगी यदि आप 80G की संस्था है या सेक्शन 35 की संस्था है। ऐसा क्यों सर? सरकार ये कह रही है कि आप यदि उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट देंगे और उसकी जो भी डोनेशन आपको साल भर में आई है वो आप हमारे को बताएंगे, हम उसके 26 ईयर्स में प्रोबेबली पोस्ट करेंगे और उसके 26 ईयर्स में इंफॉर्मेशन जाते ही ऑटोमेटिकली वो उस 80G की डोनेशन के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। तो ये एक ऑटोमेशन का प्रोसेस है सर, इसमें कोई गलत नहीं है। इस तरह के प्रावधान निश्चित रूप से वेलकम प्रावधान है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ट्रस्टों के ऊपर बढ़ाते हैं और आगे आप देखिएगा यदि ट्रस्ट ये कंप्लायंस नहीं करेगी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है मैं वो भी डिस्कस करूंगा, इसलिए एक चैरिटेबल संस्था को यह ध्यान रखना है कि जब वो 80G के डोनेशंस ले रही है तो उसे किस प्रकार से सर आगे अपने डोनर की सूचना सरकार तक पहुंचानी। हालांकि ये जो स्कीम है कि कैसे कितने समयावधि में आपको फाइलिंग करनी है अभी ये फाइनल नहीं किया है सरकार ने, इस पर अलग से रूल्स आएंगे, लेकिन प्राइमा फेसाई आपके ध्यान में ये बात रहनी चाहिए। अब यहां देखिए सर, मैं आपके साथ में जो बात लेना चाह रहा हूं वो है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन कंप्लायंस। यदि आप नॉन कंप्लायंस करते हैं तो आपको क्या परिस्थिति फेस करनी पड़ सकती है। पहली नॉन कंप्लायंस मैं मान रहा हूं कि सरकार जो 3 महीने की समयावधि दे रही है एग्जिस्टिंग संस्थाओं को, यदि वो 3 महीने के अंदर अंदर अपनी वापस से रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच नहीं पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये प्रश्न अनुत्तरित है सर। और अनुत्तरित है इसका मतलब सरकार इसकी प्राइमा फेसा इंटरप्रिटेशन निकालेगी कि नाउ यू आर नॉट चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मेरा ऐसा नहीं मानना है, लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू ये जागरूकता निश्चित रूप से लाना चाहता हूं कि यदि आप ऑलरेडी 12AA में 80G में रजिस्टर्ड हैं तो आप समयावधि में, दी गई समयावधि में, यानी 1 जून 2020 से 3 महीने के समयावधि में निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यदि आप जो जैसा मैंने पीछे बोला 80G की संस्था है, 35 की संस्था है और अब आप प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन नहीं फाइल कर रहे, यानी जो सरकार डोनर की इंफॉर्मेशन मांग रही है, डोनर को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, तो 234G में नॉन कंप्लायंस के लिए सर ₹200 प्रति दिवस की पेनल्टी है। ये सर सेक्शन TDS के लिए जो एक सेक्शन है 234, अगर मैं करेक्ट हूं तो 234E, वो भी कहता है अगर आपने TDS की रिटर्न टाइमली नहीं भरी तो आपको ₹200 प्रति दिवस की पेनल्टी है। वो राधर मैं गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, पेनल्टी की जगह उसे फीस वर्ड बोलना है। तो यहां पर सर 234G में फीस लगनी है आपको प्रति दिवस की। अब इशू क्या है सर, आप एक डोनर को सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो वहां भी ₹200 शुरू हो जाएगा प्रति दिवस, तो ये खतरनाक बात है सर। तो आपको आने वाले समय में मैं यही कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ 80G और 35, यू हैव टू बी ऑन योर टोज इन टर्म्स ऑफ गिविंग योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द डोनर। हालांकि अकाउंटेबिलिटी पार्ट ऑफ व्यू से, डेटाबेस क्रिएट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत नहीं है, दिस विल बी इन द फेवर ऑफ द डोनर्स इवन। और एक बात सर, यदि आप इंफॉर्मेशन नहीं देते तो सरकार एक सेक्शन ला रही है 271K, मात्र 10,000 से 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगेन मैसेज यही है सर कि यदि आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो आपको बहुत सावधानी के साथ में सर इस कंप्लायंस की प्रक्रिया का ध्यान। तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में थे, मुझे लगा हो सकता है ये भी आपके लिए रिलेवेंट हो, तो मैं उन्हें यहां पर ला रहा हूं। क्या है ये अदर क्वेश्चन, क्या ऐसी एंटिटी को नए पैन के लिए अप्लाई करना है क्या? नहीं सर, मैं पैन के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। नंबर दो, वेदर रजिस्ट्रेशन इज परपेचुअल और नॉट, इसका उत्तर हम देख चुके हैं सर। 5 साल के लिए आपको मिलेगा यदि आप एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, यदि आप प्रोविजनल है तो आपको 3 साल के लिए मिलेगा, 3 साल बाद आपको वापस से एग्जामिन किया जाएगा यदि आप सरकार के पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं, आपके अगेंस्ट में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है, तो सरकार आपको 5 साल करके रिन्यू करती रहेगी रजिस्ट्रेशन। वेदर रजिस्ट्रेशन इज परमानेंट और प्रोविजनल, केवल नई संस्थाओं के लिए सर प्रोविजनल है रजिस्ट्रेशन, और जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं आप कह सकते हैं परमानेंट है टिल दे विल बी द कंप्लायंट, तो उनको सर 5-5 साल करके बार बार रजिस्ट्रेशन मिलता रहेगा। हाँ, न्यू स्लिप्स फॉर डोनेशन की अगर मैं बात करूं तो किसी ने मेरे से बोला सर हमें डोनेशन की रसीद भी वापस छपानी पड़ेगी क्या, तो मेरा ये कहना है सर अब तो डोनेशन का सर्टिफिकेट ही देना है, आप रसीद की बात छोड़िए, आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो यह सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, दिस हैज टू बी इन द फॉर्मेट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज व्हाट इज रिलेवेंट।
तो जो सरकार इंफॉर्मेशन बोलेगी आप वो उसके अंदर फिलअप करेंगे और इस प्रकार से आपको इंफॉर्मेशन सरकार के ओर से, डोनर्स की ओर से लायबिलिटी है जिसका आपको आने वाले समय में ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अंत में मैं आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं मुझे सुनने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहने के लिए। हालांकि बजट में जैसा मैंने पूर्व में भी कहा बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो मुझे और भी कुछ अमेंडमेंट्स आपके सामने लेकर के आने हैं जिन्हें मैं अलग से वीडियो बना करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। ट्रस्ट पर जो मुझे लगा एक हॉट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मैंने ट्रस्टों के द्वारा नॉन कंप्लायंस नहीं हो इसलिए ये यहां पर एक वीडियो के रूप में आपके सामने बात रखी है। मैं बाकी के अमेंडमेंट्स के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होता हूं। धन्यवाद।